नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला में। दोस्तों, इस वीडियो में चित्रकला के भारतीय चित्र के 6 षणांग के बारे में बात करूंगा, यानी 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग। तो षणांग क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में पेंटिंग से रिलेटेड या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें विधिवत यानी डीप नॉलेज जिसको रहता है वही अच्छा गेन कर पाता है। तो इस वीडियो में आपको विधिवत सारी जानकारी आपको दिया जाएगा चित्र षणांग के बारे में। तो इसमें चित्र षणांग कितने प्रकार की होती हैं और किस प्रकार से इसे निरूपित किया जाता है, क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें होती है, इसका क्या महत्व है, सभी के बारे में विधिवत जानकारी मिलेगी। यानी चित्रकला से संबंधित रखने वाले 6 विधान हैं जिनकी चर्चा कामसूत्र में हुई है। चीन की प्राचीन चित्रकला के संदर्भ में भी इनका चर्चा हुआ है। तो वास्तव में देखिए तो षडंग संपूर्ण चित्र का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, परंतु यह स्पष्ट नहीं करते कि चित्र कहाँ से और क्यों आते हैं, इसकी प्रेरणा और स्रोत क्या है। इन प्रश्नों का महत्व इसलिए है कि पश्चिमी कला मर्मज्ञों के अनुसार कला अनुकरण है, अर्थात रेखा और रंगों का माध्यम में यथासंभव सादृश्य पैदा करना, और इसलिए प्रेरणा बाहर से आती है। चित्र रचना का एक लंबी साधना है, इसकी सिद्धि के मार्ग बड़े दुर्गम हैं, किंतु इसकी परिणाम श्रेष्ठ हैं। भारतीय दृष्टिकोण से चित्र कर्म जो है ऐहिक लोक यात्रा का साधन है और परलौकिक निष्पेक्षण का कारण बताया जाता है। यहाँ पे देखिए तो आलेखन, आलेख्य जिसे कहा जाता है, चित्रकला कामसूत्र में बताई गई 64 कलाओं में से एक है। इसके ही 6 अंग षडांग कहलाते हैं। कला विद्यार्थी का अध्ययन बिना षडांग के पूरा ही नहीं हो सकता। कामसूत्र के प्रसिद्ध टीका यशोधर पंडित हैं, जिन्होंने उन्होंने जो टीका लिखी उसका नाम जयमंगला है। यानी कामसूत्र में इसको टीका किए, ठीक है, तो जयमंगला नामक टीका में यशोधर पंडित जो थे तो उन्होंने जयमंगला को लिखा, और कामसूत्र में के टीका जयमंगला को लिखा और विधिवत चित्र के 6 षडंगों को बताया है। तो यशोधर पंडित जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम की सभा के प्रख्यात विद्वान थे। उनका स्थित काल 11वीं से 12वीं शताब्दी निश्चित है। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर पंडित ने आलेख्य यानी चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? रूप भेद, प्रमाणन, भाव, लावण्य, सादृश्य, वर्णिका, भंग। यानी रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य, वर्णिका, भंग, इसके बारे में विधिवत जानकारी उन्होंने बताया है, ठीक है। तो रूप भेदा, जैसा कि ये श्लोक भी बहुत ही चर्चित है, फेमस है, आप जानते होंगे, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्रम षडंगकम। यानी रूप भेद प्रमाण भाव लावण योजनम सादृश्य वर्णिका भंग, इस प्रकार से 6 अंग हैं। तो प्राचीन भारत में चित्रकला में इन 6 अंगों की योजना परम आवश्यक समझी जाती है। जैसे उसमें काम हुआ है अजंता में, बाघ में, बाकी गुफाओं में, वहाँ के जो चित्र बने हैं 6 अंगों की बड़ी ही मुदैली से पालन किया गया है, बड़ी सुंदरता से पालन किया गया है। अजंता को प्रमाण के माध्यम से अजंता को सर्वोपर माना गया है, यानी जो चित्र प्रमुख होना चाहिए उसको, जैसे बुद्ध उपदेश देते हुए, तो वहाँ पे बुद्ध को बड़ा बनाया गया, उसके बाद उपदेश जिसको दे रहे हैं उनको छोटा छोटा बनाया गया है, यानी प्रमुख रूप से जिसको दिया गया, तो वहाँ पे प्रमाण का बहुत बढ़िया प्रस्तुत किया गया है, आलेखन का बहुत बढ़िया प्रस्तुत किया गया है। अब आपको रूप भेद के बारे में दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। ये रहा चित्रकला के 6 अंगों की, अभी षडांग क्या है इसके बारे में जानकारी थी, ठीक है। चित्रकला की प्रविधि के नाम से जानते हैं, तो चित्रकला की प्रविधि जो है यही षडांग है, यानी 6 प्रकार के होते हैं, और जो कि कामसूत्र के टीका जयमंगला, टीकाकार जयमंगला जो है उसको यशोधर पंडित ने 11वीं 12वीं शताब्दी में कामसूत्र के टीका जयमंगला में, ठीक है, ये 6 अंगों की व्याख्या की है जयमंगला में, ठीक है, यशोधर पंडित ने, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य सादृश्य
वर्णिका भंग। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे आपको रूप भेद के बारे में विधिवत जानकारी मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।